नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाली बुंदेलखंड की पावन धारा बागेश्वर धाम में, जहां पर आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हो कि चारों तरफ हजारों की संख्या में श्रद्धालु बागेश्वर धाम आ रहे हैं और यहां के बालाजी के दर्शन भी कर रहे हैं। और जो यहाँ पर अन्नपूर्णा फ्री निःशुल्क भंडारा भी चल रहा है, उसका भी आनंद ले पा रहे हैं। और जो आप हमारे कैमरे के माध्यम से यहाँ पर पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पर बागेश्वर धाम में होने वाली 151 गरीब कन्याओं की शादी के लिए उपहार रखे गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो भैया लोग हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो 151 गरीब कन्याओं की शादियाँ होनी हैं, उनको क्या क्या उपहार में मिल रहा है। भैया, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए। भैया, मेरा नाम है रवि गौतम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप कहाँ पर रहने वाले हो? मैं सागर कन्या रहने वाला हूँ। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ लगभग मैं तो 5 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। मैं अभी 8-9 दिन से यहाँ पर हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दीजिए, जैसा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ उपहार सामग्री, तो जो यहाँ पर 151 सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जा रहा है, उन्हें ये विवाह में क्या क्या उपहार मिलना है? जय श्री राम। उपहार में सबसे बड़ा एक एक मोटरसाइकिल हर लड़की के लिए। अच्छा। और गोदरेज, कूलर, फ्रिज, गैस सिलेंडर, LCD सब सामग्री है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर उपहार में हर एक वस्तु दी जा रही, तो जो यहाँ पर 151 गरीब कन्याओं की शादियाँ हो रही, क्या वो वास्तव में गरीब हैं या फिर? बिल्कुल, धाम की टीम ने निरीक्षण किया है, एक एक के घर ने निरीक्षण किया है और उसके बाद ही लिया है। जिसके माता पिता नहीं है, कोई सहारा नहीं है। आपने पेज पर वीडियो देखी गुरु जी की, और कुछ लोगों के घर भी नहीं है। अच्छा। बहुत अर्थव्यवस्था गंभीर है, तो माता पिता नहीं है। जैसे बाबा जी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि यहाँ पर जो बुंदेलखंड के महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कितने लोगों की आने की संभावना है? लगभग 25-30 लाख लोग। 25-30 लाख। हाँ। तो जो यहाँ पर श्रद्धालु लोग बाहर से आएंगे, उनके लिए व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं? व्यवस्थाएं भरपूर हैं। तो उनके लिए रहने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। यहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे अन्नपूर्णा। अच्छा। 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक चलती है। अच्छा। और जल व्यवस्था है, चलते उसमें कुछ चार्ज लगता है या नहीं? कुछ फ्री फ्री। अच्छा। कुछ चार्ज नहीं है। नाश्ता सुबह नाश्ता है, दोपहर में खाना है, रात में खाना है, 11 तक अन्नपूर्णा चालू रहती है। और बाहर से श्रद्धालु लोग आएंगे, उनके लिए रुकने की व्यवस्था कहाँ? रुकने की व्यवस्था पंडाल है, सामने पंडाल बनाया गए हैं, दो लगभग 10 से 15 एकड़ में एक पंडाल है और ये 30 से 35 है। श्रद्धालु अपने वाहन लेकर आएंगे, उनके वाहनों के लिए व्यवस्था कैसी की? ये पार्किंग व्यवस्था थोड़ी सी आगे बनाई गई है, लगभग 40 एकड़ में। तो यहाँ पे 151 सामूहिक कन्या विवाह होने, उनमें किन किन को आमंत्रित किया गया है यहाँ पर? ये कौन कौन से वो ऐसे ये गुरु महाराज होंगे जो यहाँ सभी सभी राष्ट्र संतों के लिए आमंत्रित किया गया है? सभी संतों के लिए। हमारे चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भैया से सुना कि यहाँ पर जो 151 गरीब कन्याओं की शादियाँ होनी हैं, उनके उपहार में मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर और टीवी, हर एक चीज दी आ रही है, जो कि उनके जीवन को जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जो आप यह कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, वह पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आएंगे वह यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और इसी पंडाल के अंदर जो यहाँ के महाराज जी हैं, वो अपने प्रवचन भी करते हैं और यहाँ पर दिव्य दरबार भी चलता है। तो दोस्तों, आप सभी का बागेश्वर धाम की कमेटी और बागेश्वर धाम के बालाजी के बारे में क्या कहना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं बागेश्वर धाम की न्यू अपडेट के साथ।